वो कलाकार जिसने भगवान से कहा मुझे अभिनेता बना देना लेकिन हीरो मत बनाना। हिंदी सिनेमा में बहुत से ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो कभी हीरो बनने का सपना लेकर इंडस्ट्री में आए थे, जिनमें किसी का सपना पूरा हुआ तो कोई साइड हीरो, कोई निर्देशक, कोई खलनायक बन गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप ऐसा मान सकते हैं, इस फिल्मी जगत में एक ऐसा कलाकार भी है जो कभी अभिनेता नहीं बनना चाहता था। उसने भगवान से मांगा कि मुझे हीरो नहीं बनना बल्कि आर्टिस्ट बनना है। इसकी वजह यह थी कि हीरो के हिस्से में सिर्फ रोमांस आता है और कलाकार के हिस्से में एक्टिंग आती है। ऐसे विचारों वाले हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता सत्येन कपूर, जिन्होंने फिल्मों में अपना हुनर दिखाया, 6 फरवरी 1931 को मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में सत्येन कपूर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बुद्ध सिंह शर्मा और माता का नाम गंगा देवी था। उनके बड़े भाई का नाम राधेश्याम शर्मा, वहीं सत्येन कपूर का असली नाम सत्येंद्र शर्मा था। लेकिन बचपन से ही सब उन्हें प्यार से कप्पू कप्पू कहके बुलाते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम सत्येन कप्पू कर लिया। सत्येन कपूर बेहद छुटपन से ही गंभीरता में आ गए थे। इसी वजह से जब वे छोटे थे उनके माता पिता का निधन हो गया। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने से उनके ऊपर खुद को परवरिश करने की जिम्मेदारी आ गई थी। उनके कुछ रिश्तेदार सत्येन कपूर को गुरुकुल में छोड़ के आ गए, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। हालांकि वो बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक रखते थे। जब वे 16 से 17 साल के थे तो उनके बड़े भाई उन्हें मुंबई लेके आए, जहां वे थिएटर में काम करने लगे। सत्येन कपूर हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता अशोक कुमार के जबरदस्त फैन थे। उनकी तरह वो वर्सटाइल अभिनेता बनना चाहते थे। सत्येन कपूर को फिल्म में उनका पहला ब्रेक 1961 में विमल रॉय ने दिया और फिल्म का नाम था काबुलीवाला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल निभाए। उन्हें सबसे ज्यादा अलग अलग किरदार निभाने की खुशी रही।